गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन ऑफ हीटर फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का 13वां अध्याय पढ़ाया जा रहा है। आज इस अध्याय का 9वां वीडियो क्लास आपके लिए अपलोड किया जाएगा और ये अध्याय में हम लोग अभी निमी की बुक से असाइनमेंट हल कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल आपको समझा दिया गया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन आपके सामने हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी हल करा दिया गया था कल, हाँ करा दिया गया था। आज हम आपको फोर्थ क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे। तो आप देखिए, इसका डायग्राम ज़रा देखें तो इसमें आपको ये दिखाया गया है। पहले तो आप देखें कि ये ब्रेक लीवर है, अर्थात ब्रेक उत्तोलक मशीन है, जिसमें आपको जो आंकड़े दिए गए हैं, डेटा गिवन, तो इसमें आपको दिया गया कि लीवर आर्म रेशियो जो है 250:50 है। आपको बताना है फोर्स ऑन एमसी पिस्टन जो है 1800 न्यूटन, फाइंड द फोर्स एन ज्ञात करना है। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये फुट है, ये पैर है, यहाँ से ब्रेक लगाया जा रहा है इस लीवर पे। ये फुट है, यहाँ से पैर से ब्रेक लगाया जा रहा है और ये इसका फलक्रम है, ये इसका आलंब है। तो पूछा जा रहा है कि, और आपको ये बताया गया है तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो एफर्ट है वो किनारे पे है और भार क्या है, बीच में है। भार बीच में है तो अब हम देखेंगे कि कैसे इसको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको जब ये दिया गया है कि लीवर आर्म रेशियो 250:50 है, और यही से हमें क्या ज्ञात हो जाता है, लीवर आर्म रेशियो से ही हमें ज्ञात हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज, उत्तोलक का भुजाओं का अनुपात, उत्तोलक की भुजाओं का जो अनुपात है ये आपका 250:50 है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उत्तोलक की जो प्रयास भुजा होगी, प्रयास भुजा, वो कितना होगी, 250 × x यूनिट होगी, और भार भुजा जो होगी वो कितनी होगी, 50 × x यूनिट होगी। फुट फोर्स, मतलब जो पैर द्वारा फोर्स लगाया जा रहा, जो प्रयास है, फुट फोर्स जिसको हम प्रयास बोल सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि F न्यूटन है, जबकि भार बल जिसको हम फोर्स ऑन एमसी पिस्टन, पिस्टन पे जो बल लग रहा है वो 1800 न्यूटन है। कितना है, 1800 न्यूटन। और ये किस ऑर्डर का लीवर है, ये सेकेंड ऑर्डर का लीवर है, क्योंकि भार बीच में है और आलम क्या है, किनारे है। तो आघूर्ण के सिद्धांत से आघूर्ण के सिद्धांत से
प्रयास, भुजा का गुण बराबर भार भुजा का आघूर्ण। तो प्रयास भुजा का आघूर्ण कैसे निकलेगा? प्रयास बल हमने कितना माना है, F माना है, और इसकी दूरी कितनी है, 250 इंटू एक्स। भार भुजा कितना है, 1800 न्यूटन, और इसकी दूरी कितनी है, 50 इंटू एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और F बराबर क्या हो जाएगा, 1800 न्यूटन गुणे 50 बटे में 250। यहाँ से जीरो खत्म, 50 25, 5 बार में कट गया। इसको कटाएंगे, 5 3 15, 3 बार में कट गया, 6 बज गया, 60 हो गया। नहीं, 5 3 15, 3 बज गया, 30 हो गया, 5 6 30। तो 360 न्यूटन आ गया। तो फुट फोर्स कितना आ गया, 360 न्यूटन। तो आपने यहाँ से ये देखा कि जो ये ब्रेक लीवर था, इससे हमने ये मालूम कर लिया कि फुट फोर्स जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फुट फोर्स कितना होगा, ये कितना आएगा, 360 न्यूटन। तो इस पूरे प्रश्न का आप हल देख लीजिए कैसे किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 5। इसमें भी आपको ब्रेक लीवर दिया गया है और डेटा गिवन आपको क्या, आंकड़े क्या दिए गए हैं कि एफर्ट आर्म, मतलब कि जो आपकी प्रयास भुजा है उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। प्रयास भुजा की लंबाई कितनी है, मैं स्क्रीन को जूम कर देता हूँ जिससे आपको ये प्रश्न क्लियर कट दिखाई देगा। आप देखिए इसमें दिया क्या गया है कि ये आपको यहाँ से ब्रेक लगाया जा रहा है, ठीक है, और इस ब्रेक के लगाने के कारण यहाँ से जो है पिस्टन पे बल आरोपित होता है। तो एफर्ट आर्म जो है, प्रयास भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और लोड आर्म जो है, भार भुजा, जो भार भुजा की लंबाई वो 6 सेंटीमीटर है और जो पैडल पे फोर्स लग रहा है वो 500 न्यूटन है। पैडल पे फोर्स लगाने का मतलब कि यही जो आपका ब्रेक पे बल लगाया जा रहा है वो 500 न्यूटन है। तो पूछा जा रहा है कि डाया ऑफ एमसी पिस्टन, और जो पिस्टन का जो डाया है 3.2 सेंटीमीटर है। तो आपको ये ज्ञात करना है, इसमें कई चीज़ें ज्ञात करनी है कि फोर्स ज्ञात करना है कि पिस्टन पे कितना होगा, फिर आपको ज्ञात करना है कि प्रेशर कितना होगा न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आपको ये भी ज्ञात करना है कि विच ऑर्डर बोथ आर्म आर इन इक्वल लेंथ। और फिर ज्ञात करना है कि विच ऑर्डर एफर्ट आर्म इज लॉन्गर, और अगला ज्ञात करना है कि विच ऑर्डर एफर्ट आर्म इज शॉर्टर देन लोड आर्म। तो देखिए सबसे पहले इस ये भी क्वेश्चन जो है पहले ही क्वेश्चन की भांति है, एफर्ट आर्म मतलब प्रयास भुजा की लंबाई प्रयास प्रयास भुजा की
लंबाई कितना दिया है? प्रयास भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। भार भुजा की लंबाई कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। फिर पूछा जा रहा है पैडल फोर्स, मतलब पैडल पे जो बल लग रहा है, पैडल पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो कितना है? 500 न्यूटन। और पैडल फोर्स ही क्या है? प्रयास बल है, प्रयास बल। तो यहाँ से हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि आघूर्ण कितना होगा। प्रयास बल का आघूर्ण ये कितना होगा? फोर्स इंटू प्रयास भुजा की लंबाई। फोर्स कौन सा? पैडल फोर्स। फोर्स कौन सा लगेगा? पैडल फोर्स इंटू प्रयास भुजा की लंबाई। और फोर्स कितना है? 500 न्यूटन इंटू 30 सेंटीमीटर। फिर हम ज्ञात करेंगे भार भुजा का आघूर्ण। तो ये क्या होगा? पिस्टन बल गुणे भार भुजा। पिस्टन बल को हमने F2 मान लिया, भार भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा? 500 न्यूटन इंटू 30 सेंटीमीटर बराबर F2 इंटू 6 सेंटीमीटर। F2 बराबर हो जाएगा 500 न्यूटन गुणे 30 सेंटीमीटर, में 6 सेंटीमीटर कैंसिल, 6 × 5 = 30, और ये गुणा हो जाएगा तो F2 जो हो जाएगा 2500 न्यूटन। मतलब पिस्टन बल हो गया बराबर 2500 न्यूटन। पिस्टन बल का मान आ गया 2500 न्यूटन। अब पूछा जा रहा है कि प्रेशर कितना होगा? दाब, पिस्टन पे दाब, पिस्टन दाब। तो ये कितना होता है? फोर्स अपान एरिया होता है। एरिया कितना होगा भाई? फोर्स कितना आया? 2500 न्यूटन आया है। एरिया क्या होगा? π r² तो 2500 न्यूटन बटे में पाई आर कितना है आपका? डाया 3.2 है, डायमीटर 3.2 है, तो इसका आधा हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 1.6। तो 3.14 इंटू 1.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये 2500 न्यूटन बटे में 3.14, ये हो जाएगा 2.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका गुणा करेंगे 3.14 में हम गुणा करेंगे 2.56 का, 3.14 × 2.56 तो ये आएगा 8.0384। तो 2500 न्यूटन बटे में 8.0384 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2500 में भाग देंगे 8.0384, तो ये आएगा 311.007 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पिस्टन पे इतना जो है दाब आरोपित होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।